सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 51वें पृष्ठ की 21वीं पंक्ति पर 29वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उद्वारण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए चेंज कम्स नियर दैट फ्लीज फ्रॉम हर सरमाइज एंड एवर पोस्टपोन compels attempt and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. A vision meets her of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lost, approaching with estranged great luminous gaze, then is she bowed to all that she is not, and it stretches arms to what was never hers. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत उदित संकल्प पूर्ति हेतु सृजित ब्रह्मांड में धरती सृजन आरंभ से लेकर अब तक जड़ से आगे के विकसित स्वरूप, वनस्पति, प्राणी, मानव तक के विकास की यात्रा का केंद्र परमात्मा शक्ति द्वारा हमारी यह धरा चुनी गई है। धरती के सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया के प्रयास में अनेक मील पत्थर समान विकास की प्रक्रिया मत्स्य अवतार से लेकर मानव तक पुराणों में वर्णित है। सृजन में अस्तित्व के सबसे छोटे कण में व्याप्त परमात्मा चेतना, जिसने भागवत संकल्प सिद्धि का बीड़ा अपने कंधों पर अचित आवरण ओढ़कर देश काल सीमा में बंध जाने का विधान स्वीकारा, किंतु इन भागवत अंत स्फुर्लिंग के सतत विकासोन्मुख रहकर ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया की अंत अग्नि के सतत ताप के प्रताप एवं प्रभाव से नित नवीन रूपों आकारों के गढ़े जाने का सतत दबाव भीतर से बना ही रहता है। इस दबाव प्रभाव के चलते एक सुखद उन्नत अभिव्यक्तिकरण परिवर्तन निकट आता जाता है। तब अचित आवरण व काल जनित अज्ञान अंधकार से उत्पन्न भ्रम, शंका से पड़े आवरण बाधा से धरती के मन की सूझबूझ वाली अटकल से भावी अभिव्यक्ति का उन्नत परिवर्तन विभाव, भविष्य में घटित होने वाला यह कार्य उसकी बुद्धि पकड़ से छूटकर जैसे सदैव के लिए स्थगित हुआ मालूम पड़ता है, जैसे हम मनुष्य रूप में अभिव्यक्त हुए तो
ऐसा मानते कि अब मनुष्य से आगे कुछ नहीं, किंतु अंतः प्रज्वलित अग्नि का भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास की निरंतरता से धरा बार बार प्रयत्न करके आशा करने को विवश बनती, फिर भी अचित असत अज्ञ प्रभाव से काल संचालित जीवन यापन करने वाला यह धरा का नश्वर जीवन यापन आशा से इस भीतरी अंत पुरुष अग्नि ज्वाल से प्रभावित बन साहस करने और आशा करने करके पुनः पुनः प्रेरित होता, यद्यपि कि यह नश्वरतापूर्ण क्षणिक आशा और दुर्लभ साहस ही होता है। ऐसे सामान्य नश्वर जीवन यापन क्रियाकलाप के चलते चलते धरती को कभी कभी सृष्टि रचयिता शक्ति की चरम परम जगन्माता की दिव्य क्रियाशील सुशक्तियों की झलक का साक्षात एक दिव्य दर्शन मिल जाता, तभी परात्पर की अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया के विकासोन्मुख महायुद्ध समान कार्य की धरती की परिस्थितियों में विकास के अगले चरण में होने वाली उन्नत अभिव्यक्तिकरण कार्य में मानो धरा को दिव्य शक्तियों का साक्षात दर्शन स्पर्श हो जाने वाली क्रिया में बलिष्ठ आश्वासन मिल जाता, ताकि वह विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण की ऊर्ध्वगति प्रक्रिया सतत करती रह सके। वे दिव्य दर्शन में आई दिव्य पराक्रमी शक्तियां परम ज्ञान सौंदर्य धारण करके अभीप्सु पृथ्वी से नातेदारी संबंध जोड़ती, समस्त धरा जीवनों को एक सूत्र में पिरोने के व्यवस्थापन का परमात्म दिव्यता के एकत्व संकल्प का ही परिणाम है। और जब वे निकट आते, तब वह उनके निकटतम एकत्व की सर्वोच्च ऊंचाई की पृथ्वी के ऊर्ध्व उड़ान का क्षण होता, तब धरा को उन चरम परमा की सुशक्तियों का साक्षात दर्शन विजन मिलता, जो एक दूसरे के प्रति व्यष्टि भाव के कारण अब भी मानव पड़े आवरण से एक दूसरे को पराया समझ विरक्ति एवं दूरी बनाए हुए थे। वे सब दिव्य एकत्व का दिव्य विजन पा जाने से विशाल विस्तृत आंतर समानता अनुभव करते हुए दिव्यीकृत आभामय चितवन से चकित हुए इस संपूर्ण एकत्व के समा को यहाँ इस धरती पर ताक ताक कर जैसे कोई अपने खोए हुए वरिष्ठ सगे संबंधियों को पा जाने समान हर्षित होकर अवतरित हुई दिव्यता को अपने प्रति आकर्षित करती है। तब भागवत लीला प्रसंग में मंद गति से विकसित होकर विकासोन्मुख बनी यह धरती नाना रूपों में एक से उन्नत एक आकार में आकारित होते हुए अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में जो अभी तक वह नहीं बन पाई, उसको बन जाने तू अभिव्यक्त करने तू ललायित होकर द्रुत चाल व गति धारण करके अपने
अधिक प्रयत्नशील बनकर उस सबके ही प्रेरित होती, और अभी तक जो कुछ वह श्रेष्ठ अभिव्यक्त न कर सकी थी, जो कुछ न कभी उसका बन पाया था, उसको अभिव्यक्त कर लेने हेतु अपनी बाहें फैलाती। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।